प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जमीन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था। ईडी ने जमीन घोटाले में सोमवार 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को तलब किया था, लेकिन आज सीएम ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। उन्होंने एक हफ्ते का समय मांग लिया है। हेमंत सोरेन ने अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए समय की मांग की है। हालांकि इस बाबत अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईडी की ओर से जारी समन के अनुसार हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे उपस्थित होना था। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय का मैसेंजर ईडी दफ्तर पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए मैसेंजर सूरज ने बताया कि हम बस चिट्ठी देने आए थे। बताया जा रहा है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने ईडी से समय की मांग की है। ईडी की ओर से उनके अनुरोध का जवाब दिया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि उनके ईडी कार्यालय जाने को लेकर पूर्व से संशय की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ईडी कार्यालय के बाहर हलचल बढ़ी हुई है। कार्यालय के बाहर जैप के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं मौके पर हटिया डीएसपी भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पहली बार पूछताछ करने वाली है। इससे पहले पिछले साल साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार की संलिप्तता मानते हुए ईडी ने 8 अगस्त को समन भेजकर हाजिर होने को कहा था। केस नंबर 25/23 के आधार पर उन्हें नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें 14 अगस्त यानी आज ईडी कार्यालय बुलाया गया था। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सीएम ऑफिस से आए हैं। ठीक है, क्या क्या मिला था, क्या देना? ये हम लोग कुछ नहीं बताया, हम लोग डाक बांटने का काम है, बांट दे दिए, अब चल दिए। अंदर कुछ अधिकारी आपसे भी पूछ रहे थे? नहीं, हम छोटा कर्मचारी से काम पूछ रहे हैं। सूरज जी, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।